प्रधानमंत्री जी जिनपिंग से मिल चुके हैं, आखिर क्या छुपा रहे हैं? बताते क्यों नहीं आखिर वहां पर पोजीशन क्या है? सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं कि हम जमीन खो चुके हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसीलिए इस हुकूमत को मेरा अंदेशा यही है कि कहीं हम ये जो अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो फिर हम जमीन खो देंगे, और फिर बातचीत किस लिए हो रही है? खुद आपका लद्दाख का आईपीएस ऑफिसर वो कह रहा है कि हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो क्या इस बातचीत से ये बात निकलेगी? हम सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि 2020 में जो स्टेटस को था वो बहाल होगा नहीं होगा, या फिर आप देश को फिर से डोकलाम जिस तरह आपने गलत कहा था वही साबित होगा क्या? सर, एनसीईआरटी के सिलेबस में जो इसी के तब्दीली हो रही है, इसी चाइना के इशू पे ही और एक सवाल है। पिछली बार अप्रैल में 18th राउंड टॉक्स हुए थे, अगर डिमचक की बात आप उठाते हैं, डिमचक डिमसंग, और इस मामले में डिमचक में अभी भी चाइना का डेपसांग डेमचाक में आज भी चीन की फौज बैठी हुई है। पोंग सोंग सू में, हॉट स्प्रिंग में, जो भी आप कहिए, वहाँ पर जो इलाके हैं, हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं 65 में से। तीसरा, इस सरकार ने चीन को बफर जोन बनाने की इजाज़त दे दी हमारे ही जगह पर। यही चीज़ें हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री नहीं थे 2013 में, ये कहा था कि समस्या बॉर्डर में नहीं दिल्ली में है, तो अब क्या 7 लोक कल्याण मार्ग में समस्या है? उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हम अपनी ज़मीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट किस बात का, तो फिर क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं? क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं और बताते क्यों नहीं देश को? हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि बताइए, आप बोलना नहीं चाह रहे? क्या शी जिनपिंग की दोस्ती इतनी ज़्यादा है कि कुछ नहीं बोलना चाह रहे प्रधानमंत्री? आप याद रखिए कि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा तो कहीं खुदा ना खास्ता हम सियाचिन को भी ना खो दें। डिसएंगेजमेंट होगा, डी इंडक्शन कब होगा बताइए? कोई बता ही नहीं रहा है सरकार की तरफ से। चीन पर मुंह नहीं खोला जाता। नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी हमने भी उठाया और दीगर सांसदों ने उठाया, मगर सरकार चुप्पी बनी बैठी है, खामोश बैठी हुई है, कोई बोल नहीं रही है। ये जो बातचीत आप कर रहे हैं, इससे क्या 2020 का मौकफ बहाल होगा? मुझे अंदेशा इस बात का है कि सरकार को एग्रीमेंट करके बोल देगी एग्रीमेंट हो गया और हम अपनी जमीन को खो देंगे, जिस तरह डोकलाम में कहा था एग्रीमेंट होगा। डोकलाम से चीन बैठा हुआ है आदमी, वहां पर बफर जोन बना हुआ है। डेपसांग डेमचाक में तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए। कैसे मुतमईन रहेंगे आप? भारत की जो हिस्ट्री है उसको आप निकाल रहे हैं, आप पढ़ाना नहीं चाह रहे। अब कल आप हिस्ट्री में नहीं पढ़ाएंगे कि ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, आगरा का किला किसने बनाया, गोलकुंडा किला किसने बनाया, चार मीनार किसने बनाया? क्या सिखाएंगे बच्चों को आप? किसने बनाया? आसमान से रुका के बना के चले गए। आप तो सेलेक्टिवली निकाल रहे हैं। आप तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को बाद में पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी को बाद में पढ़ा रहे हैं, पंडित नेहरू को बाद में पढ़ा रहे हैं आप। जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किया, उनको जो पहले पढ़ाया जाता आप बाद में पढ़ा रहे हैं उनको, क्यों भाई? आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है इन लोगों से? तो हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, फिक्रमंद है हम। ऐसा है, देखिए कि एक तरफ नू में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान को बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। सर, आपको धमकियां भी दी जा रही है? मेरे को एक SMS के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया
और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपको आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, देखिए उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि BJP के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूँ, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मर्तबा का सांसद हूँ मैं, और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते घर पर, शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट इसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से, मैं तो तैयार हूं। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के MP के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तो 100 दिनों ऐसी क्या चीज रहा अभी। और तरफे तमाशा यह है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई BJP के बड़े नेता घर पर, तो क्या होता बताइए, क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है, और BJP को इसका नोट लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ना चीन पे बोलते ना बुलडोजर पे बोलते। 750 घर नू में मुसलमानों के बर्बाद कर दिए गए, आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं अपने वो लोग। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बातें की जा रही है ना, ये बातें अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 1933 में उस वक्त की जर्मनी की याद दिलाती है, जब यहूदियों को, जूस को कहा गया था कि आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अपने हाथ पर स्टार ऑफ डेविड पहनिए। तो यही जबान इस्तेमाल की जा रही है आज। फर्क इतना है कि वो यहूदी थे, आज यहां पर मुसलमान है। अब सिर्फ इस देश में क्रिस्टल नाक मूवमेंट होना बाकी है, और उसके बाद तो फिर जो तारीख में यहूदियों से हुआ था, जूस से, वो भारत के मुसलमानों से होने जाएगा। कैसे देखिए, कैसे एक लोकतंत्र देश में इस तरह की बात की जा रही है, जहां पर BJP की सरकार है, कि इनका आइडेंटिफिकेशन चेक किया जाए, इनका सोशल बायकॉट हो, और दूसरे लोगों को हथियार दिया जाए, एक डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर दिया जाए। ये क्या बातें हैं, ये तो एथनिक क्लेंसिंग की बातें हैं। ये तो याद दिलाता है बोस्निया की, यही याद दिलाता है। हम कल 15 अगस्त आजादी, यौम आजादी मनाने जा रहे हैं, और आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को। और उन वो नूह के मुसलमानों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया देश की आजादी के लिए, महात्मा गांधी वहां पर जाकर नूह के मुसलमानों से कहा था कि तुम मत जाओ पाकिस्तान को, आप ये महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं आप। ठीक है, हिंसा हुई, हम उसका कंडेम करते हैं, मगर आप एक पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। कहां गया प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? और कहां गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि RSS से बात करना चाहिए? कहां गए वो लोग? किधर, कौन सी बिल में छुप गए वो लोग? कहां गए वो लोग जो बोलते थे कि डायलॉग होना चाहिए? बोलो, डायलॉग करो अभी। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको नूह को जाकर बर्बादी देखने की जरूरत है। उनको प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए नूह के डेमोलिशन को। प्रधानमंत्री की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिला है। कैसे आप इस देश में
कोर्ट नहीं है क्या, कानून नहीं है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर का वॉयलेशन है ये। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, यानी आप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप पुरानी तारीख में उनको नोटिस देते और एक 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 ही दिन में हजारों लोगों को आपने बेघर कर दिया। आपने जिक्र किया सर प्रधानमंत्री को इन सारे चीजों पर बात करनी चाहिए, क्या आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से इन सारी जो घटना, अगर 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 प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो देश के प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं कि वो, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कल लाल किले से ये जो टारगेटेड वायलेंस किया जा रहा है उसको कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री कल खड़े होकर कहेंगे कि जिस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है उसका मैं कंडेम करता हूँ, चाहे वो रेल में वो आतंकवादी का वाकया हो या फिर जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को कंडेम करिए प्रधानमंत्री, वायलेंस को कंडेम करिए ना, चाहे वो नू का वायलेंस हो और फिर उसके बाद जो वीडियोस, उससे पहले जो वीडियोस बनाए गए, कंडेम करिए कि कौन है लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये बुलडोजर कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है, हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे भाई फिर कोर्ट क्यों है, अमित शाह ये 3 कानून क्यों लेके आए सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट को हटाने के लिए, आप क्यों ला रहे हो उसमें, आप जब आप खुद ही कानून बन चुके, आप खुद ही कोर्ट बन चुके, फायदा क्या है उसका, वो कानून को नया कानून जो लेके आ रहे हैं आप। हम उम्मीद करते कि प्रधानमंत्री इसका नोट लेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज देंगे प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, क्योंकि चुनाव से पहले उनका ये आखिरी भाषण होगा, देखते हैं कल क्या होगा। Well, if you remove sedition, then the sedition has to go completely. It cannot come back in other name. How can, if I tomorrow protest on a street, how can that be equated with terrorism? So there are so many sections. There are numerous sections which needs to be examined, which our party is examining it. And after some time, we'll be giving our opinion in a written representation form to the Honorable Home Minister for him to consider and to bring appropriate changes in that. So you have to give me some time. We are working on it. क्या क्या कहूँ मैं कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, कांग्रेस का जवाब देंगे, मैं कहाँ दूंगा। हाँ, पार्टीशन का जिम्मेदार कौन है? पार्टीशन के जिम्मेदार भारत के मुसलमान नहीं है, पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के नेता हैं। आप किताब पढ़िए इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद की, वो कितना भागे, कितना दौड़े, सबको जाकर उन्होंने भीख मांगी कि देश का पार्टीशन उन्हें मत दीजिए। ये गैर जरूरी के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि हम मुसलमान जिम्मेदार है, हम नहीं है जिम्मेदार पार्टीशन के। उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था, नवाबों को था वोट डालने का इख्तियार, जागीरदारों को वोट डालने का इख्तियार था, जो लोग इनकम टैक्स देते उनको वोट डालने का इख्तियार था। क्या हर मुसलमान को यूनिवर्सल सफरेज का था? नहीं था। कितने कितने लोग उसके पार्टीशन के खिलाफ थे, कितने बड़े बड़े लोग, एक नहीं दो नहीं कई ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के खिलाफ थे उस पार्टीशन के। टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया उन्होंने, जिन्ना की जिंदगी में रिजेक्ट किया। और उस जमाने की मुस्लिम लीग, उस जमाने के मुसलमानों को मारते थे वो लोग जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। क्या क्या उनसे बदतमीजी नहीं की गई, सरेआम उनकी पिटाई होती थी उन मुसलमानों की जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। आपने जिक्र किया सर उस समय के नेता जिम्मेदार थे कौन, जितने भी उस जमाने के, मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, जितने भी जो थे उस जमाने के वो जिम्मेदार है। आप एक कम्युनिटी कैसे जिम्मेदार बनाते हैं?
अरे भाई बात आप वो आप देख लीजिए ना क्या क्या नहीं है उसमें। महात्मा गांधी के कॉन्स्पिरेसी में सावरकर का नाम है ही नहीं है कपूर कमीशन में, अब क्या बोलेंगे उसको आप? आप बताइए सर, आप एनसीआर की अभी बात किए तो केरला के एजुकेशन मिनिस्टर है शिवनकुट्टी, ही सेड दैट देयर आर टेक्स्ट डाटा रिमूव्ड इकोनॉमिक साइंस एटसेट्रा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, दिस इज द महात्मा गांधी पंडित नेहरू एंड गुजरात फैक्ट्स विल बी इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक्स। और दैट इज देयर सेड दैट द स्टेट इज डूइंग वेरी गुड, अच्छा कर रहे ना वो लोग, कर रहे केरला कर रही सरकार अब उन्हें कर रहे हैं, बिल्कुल सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, हिस्ट्री को टोटली सिखाइए आप। क्या तेलंगाना सरकार से बोलेंगे कि वो केरला के सिलेबस पर स्टडी करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको गौर करना चाहिए उसको, तेलंगाना को हाँ बिल्कुल गौर करना चाहिए, बिल्कुल उनको उनको कंसिडर करना चाहिए उसको। आप महात्मा गांधी को नहीं सिखाएंगे तो फादर ऑफ नेशन क्यों बोलेंगे उनको आप? आप बताइए मेरे को, 2002 एक जेनोसाइड था, फैक्ट है, उसको नहीं सीख पढ़ाएंगे आप? मौलाना अबुल कलाम आजाद इस देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी लीडरशिप में क्या क्या नए नए प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स बने, आप उनको नहीं पढ़ाएंगे? आप बाद में पढ़ाएंगे उनको, कैसे होगा ये? Yes, it is very similar. If someone says that check the identity of Muslims, if someone says do social boycott of Muslims, and it is being said by all these people who are very close to BJP, and in fact, a Delhi BJP MP had called openly on record that people should not buy products from Muslims. A social boycott call was given by the MP of belonging to BJP. History teaches you that this is what we have read. It happened in 1933 Germany. क्या तेलंगाना के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी MIM कंटेस्ट करेगी सर अपकमिंग असेंबली को? हाँ अभी तो टाइम है ना, अभी तो क्या है, अभी तो टाइम है, अभी टाइम है ना। सर बंगाल में जो है तस्वीर आ रही है ममता बनर्जी पीएम की दावेदार के लिए, हाँ सर इस पे आप कैसा देखते हैं? पीएम कैंडिडेट देखते हैं? पीएम की कैंडिडेट का, हाँ पीएम की कैंडिडेट है, तो उनके मतलब स्पोर्ट पर्सन बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाओ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना के ममता जी को, ममता जी को अभी से, अच्छा है ना जो आप सब चलाइए आप, तो कौन किसको रोक सकता है, जमहूरियत है, महिला प्रधानमंत्री, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल है, आप कर लीजिए, आपको जो करना है करिए, आप सब कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको? आप कैसे देख रहे हो? अरे मेरा आप मेरे को मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा आपको है, मेरे में क्या खराबी है? नहीं नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, आप चेहरे की बात करें तो मेरे नहीं, मेरे को भी तो ऊपर वाले ने आपके साथ चेहरा ऊपर वाले बना, मुझे भी तो ऊपर वाले चेहरा बनाया, बात चेहरे की हो रही है ना या काबिलियत की हो रही है, मुझे नहीं मालूम क्या हो रही है। नहीं नहीं तो मुझमें काबिलियत नहीं है क्या? मैं शुरू से कह रहा हूं कि भारत के 540 पार्लियामेंट सीट पर वहां पर मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी से, अगर आप चेहरे लेकर आएंगे तो मोदी को फायदा हो जाएगा, मैं शुरू से कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं ये बात को, आप चेहरे लाएंगे तो उनको फायदा होगा। अच्छा अब चेहरे की आप बात कर रहे हैं, हमारा सीएम काबिल नहीं है क्या? केसीआर भी काबिल है भाई, इतना आप पर सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम तेलंगाना में है, अब हम हमारा सीएम को तकलीफ होंगी ये देख के ये क्या है भाई? हाँ अब पर क्या वो हाईएस्ट डेट तो भारत सरकार का भी है, 2014 से अब तक कितना डेट हुआ, पर कैपिटा बड़ा देश का आपको मालूम, भारत का पर कैपिटा इज लेसर देन बांग्लादेश, द लोएस्ट पर कैपिटा इन G20, अब उस पे आप लोगों नहीं बोलेंगे आप ये बात? हाँ कहाँ टमाटे मिल रहे आपको, टमाटे कितने मिल रहे, पेट्रोल कितने मिल रहा, डॉलर का रेट क्या है, ऐसा ना ऐसा मत बोलो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मेरे से मुकाबला नहीं कर सकते आप। सर और एक अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, हाँ अच्छा है ना, क्या बात है, अच्छी चीज है,
अच्छा है, 15 अगस्त को मना रहे हैं तो क्या है, उससे बुरी बात क्या है? भारत की आज़ादी का दिन है, यौम आज़ादी है, और उस इस आज़ादी की लड़ाई में कोई संघ परिवार का रोल नहीं था। एक बार समझिए आप बात, नहीं था उसमें कोई रोल नहीं था, वो लाख बोलने कोई रोल नहीं था उनका। अब आप लोग चलाएंगे नहीं मालूम, पर बिल्कुल रोल नहीं था उनका। अंडमान निकोबार में आप देख लीजिए, सबसे पहला जो कैदी गया हैदराबाद का मौलवी इस्माइल, यहां से मक्का मस्जिद से जुलूस निकाले थे आपके प्रेजेंट वुमेन्स कॉलेज तक, जुम्मे की नमाज के बाद जुलूस निकला, पकड़े गए और पहला कैदी वहां पर गया मौलवी इस्माइल। अरे इलेक्शन करा दीजिए ना फिर, सक्सेसफुल तिरंगा यात्रा तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रही थी? जब तिरंगा यात्रा सक्सेसफुल है जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन करवा दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपका इलेक्शन कराने से? हर चीज सक्सेसफुल हो रही है, इलेक्शन क्यों नहीं होता फिर? इलेक्शन करवाइए जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में इलेक्शन करवाइए, चलिए असेंबली का इलेक्शन करवाइए। हमने हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से 200 साल इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी थी, 200 साल हमारे बुजुर्गों ने उनके खिलाफ लड़ा, अपना सब कुछ कुर्बान किया, जाने दे दी, अपना घर बार लुट गया, औलाद की कुर्बानी दी, और इस एक ख्वाब और इस उम्मीद पर कि जब देश आज़ाद होगा तो यहाँ पर हर समुदाय को उसका जायज़ मुकाम मिलेगा, और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने संविधान को बनाया। मगर क्या हम ये 15 अगस्त हम तमाम को एक मौका देता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, महासेवा करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने उन बुजुर्गों की कितनी कुर्बानियों की लाज रखी, हमने एक जलियांवाला बाग में जान देने वालों की उनकी कुर्बानियों को आज हमने जिंदा रखा या उनको खो दिया उसको, जो जेलों में काला पानी की सजा हमारे बुजुर्ग काटे, क्या हम उसकी सजा को उनकी तकालीफ को याद रखते हैं? अगर याद रखते हैं तो फिर देश आज इस हालत में क्यों है? आखिर देश इस हालत में क्यों है जहां पर बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, जहां पर बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय को फैलता है जिनका नाम मुसलमान है, जहां पर गरीबी बढ़ते जा रही है, फिर हमको हम क्या मोहब्बत कर रहे हैं उन बुजुर्गों से? हम बताइए, हमारा तो पैगाम यही होना चाहिए। क्या हम समझ रहे हैं कि जो तिरंगा हमको मिला ऐसे ही मिल गया हमको? उस तिरंगे में बनाने में, उस तिरंगे को हम लहराने में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी? एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों थे उसमें। यही हमको समझने की जरूरत है आज। वो 9:30 बजे 9:30-10 के दरमियान। देखिए जितनी भी बातचीत हो रही है ना, ये इस बात को जाहिर कर रही है कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इस देश को सच्चाई बयान नहीं की थी जब उन्होंने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, इससे उन्होंने गलत झूठ कहा था, ये बातचीत से साबित हो रहा है। दूसरी बातचीत से ये बात साबित हो रही है कि हमने जमीन खो दी है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जमीन खो दी है, और खुद जब प्रधानमंत्री ने DGP कॉन्फ्रेंस में लद्दाख के एक IPS ऑफिसर ने कहा था कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम नहीं जा पा रहे हैं। चौथी बातचीत ये है कि ये बातचीत से क्या 2020 में जो भारत की सेना का
उस ज़मीन पर कब्ज़ा था जो हमारी ज़मीन है वो बहाल होगा वो नहीं मालूम। पांचवी बात यह है कि 2017 में यही मोदी सरकार ने डोकलाम में के ताल्लुक से कहा था कि यहाँ से चीन की फ़ौज चले गई, आज भी चीन की फ़ौज वहाँ पर बैठी हुई है। तो मुझे इस बात का खदशा और डर है कि अगर मोदी सरकार चीन से कोई ऐसा एग्रीमेंट ना कर ले जिस तरह उन्होंने डोकलाम में कहा था, डोकलाम में कहा था कि चीन हट गया, चीन नहीं हटा, चीन बैठा हुआ है वहाँ पर, अगर एग्रीमेंट ऐसा होता है तो ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत गलत होगा। और सरकार जो है आखिर छुपा क्या रही है, 18 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, आखिर क्या छुपा रहे हैं, बताते क्यों नहीं, आखिर वहाँ पर पोजीशन क्या है, सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं कि हम ज़मीन खो चुके हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसीलिए इस हुकूमत को मेरा अंदेशा यही है कि कहीं हम ये जो अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो फिर हम ज़मीन खो देंगे, और फिर बातचीत किस लिए हो रही है। खुद आपका लद्दाख का IPS ऑफिसर वो कह रहा है कि हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, तो क्या इस बातचीत से ये बात निकलेगी। हम सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि 2020 में जो स्टेटस को था वो बहाल होगा नहीं होगा, या फिर आप देश को फिर से डोकलाम जिस तरह आपने गलत कहा था वही साबित होगा क्या। अगर डिमचक की बात आप उठाते हैं, डिमचक, डिमसंग, और इस मामले में डिमचक में अभी भी चाइना का मतलब डिमसंग डिमचक में आज भी चीन की फौज बैठी हुई है। पोंगसोंग सू में, हॉट स्प्रिंग में, जो भी आप कहिए, वहां पर जो इलाके हैं, हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं 65 में से। तीसरा, इस सरकार ने चीन को बफर जोन बनाने की इजाज़त दे दी हमारे ही जगह पर। यही चीज़ें हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री नहीं थे 2013 में, ये कहा था कि समस्या बॉर्डर में नहीं दिल्ली में है, तो अब क्या 7 लोक कल्याण मार्ग में समस्या है। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हम अपनी ज़मीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट किस बात का, तो फिर क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, और बताते क्यों नहीं देश को। हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि बताइए, आप बोलना नहीं चाह रहे, क्या शी जिनपिंग की दोस्ती इतनी ज़्यादा है कि कुछ नहीं बोलना चाह रहे प्रधानमंत्री। आप याद रखिए कि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा तो कहीं खुदा ना खास्ता हम सियाचिन को भी ना खो दें। डिसएंगेजमेंट होगा, डी इंडक्शन कब होगा बताइए, कोई बता ही नहीं रहा है सरकार की तरफ से। चीन पर मुंह नहीं खोला जाता, नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी हमने भी उठाया और दीगर सांसदों ने उठाया, मगर सरकार चुप्पी बनी बैठी है, खामोश बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है। ये जो बातचीत आप कर रहे हैं, इससे क्या 2020 का मौकफ बहाल होगा। मुझे अंदेशा इस बात का है कि सरकार को एग्रीमेंट करके बोल देगी एग्रीमेंट हो गया और हम अपनी जमीन को खो देंगे, जिस तरह डोकलाम में कहा था एग्रीमेंट होगा। डोकलाम से चीन बैठा हुआ है आज भी वहां पर, बफर जोन बना हुआ है, डिमसांग डिमचक में तो हम जा ही नहीं पा रहे, जो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए। कैसे मुतमईन रहेंगे आप, भारत की जो हिस्ट्री है उसको आप निकाल रहे हैं, आप पढ़ाना नहीं चाह रहे। अब कल आप हिस्ट्री में नहीं पढ़ाएंगे कि ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, आगरा का किला किसने बनाया, गोलकुंडा किला किसने बनाया, चार मीनार किसने बनाया, क्या सिखाएंगे बच्चों को आप, किसने बनाया, आसमान से रुका के बना के चले गए। आप तो सेलेक्टिवली निकाल रहे हैं, आप तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बाद में पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी को बाद में पढ़ा रहे हैं, पंडित नेहरू को बाद में पढ़ा रहे हैं आप। जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किया उनको जो पहले पढ़ाया जाता आप बाद में पढ़ा रहे हैं उनको, क्यों भाई, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है इन लोगों से। तो हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, फिक्रमंद है हम। ऐसा है, देखिए कि एक तरफ नू में
मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान को बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। सर, आपको धमकियां भी दी जा रही है? मेरे को एक SMS के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिखकर दीजिए कि आपको आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि BJP के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूँ, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मर्तबा का सांसद हूँ मैं, और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते घर पर, शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मजाहरे के ट्रेन में, इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट इसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से, मैं तो तैयार हूं। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के MP के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तो 100 दिनों ऐसी क्या चीज रहा अभी। और तरफे तमाशा यह है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई BJP के बड़े नेता के घर पर, तो क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है, और BJP को इसका नोट लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ना चीन पे बोलते ना बुलडोजर पे बोलते। 750 घर नूह में मुसलमानों के बर्बाद कर दिए गए, आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं अपने वो लोग। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बातें की जा रही है ना, ये बातें अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 1933 में उस वक्त की जर्मनी की याद दिलाती है, जब यहूदियों को, जूस को कहा गया था कि आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अपने हाथ पर स्टार ऑफ डेविड पहनिए। तो यही जबान इस्तेमाल की जा रही है आज। फर्क इतना है कि वो यहूदी थे, आज यहां पर मुसलमान है। अब सिर्फ इस देश में क्रिस्टल नाक मूवमेंट होना बाकी है, और उसके बाद तो फिर जो तारीख में यहूदियों से हुआ था, जूस से, वो भारत के मुसलमानों से होने जाएगा। कैसे देखिए, कैसे एक लोकतंत्र देश में इस तरह की बात की जा रही है, जहां पर BJP की सरकार है, कि इनका आइडेंटिफिकेशन चेक किया जाए, इनका सोशल बायकॉट हो, और दूसरे लोगों को हथियार दिया जाए, एक डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म कर दिया जाए। ये क्या बातें हैं, ये तो एथनिक क्लेंसिंग की बातें हैं। ये तो याद दिलाता है बोस्निया की, ये याद दिलाता है। हम कल 15 अगस्त आज़ादी यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, और आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को, और उन वो नूह के मुसलमानों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया देश की आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी वहां पर जाकर नूह के मुसलमानों से कहा था कि तुम मत जाओ पाकिस्तान को। अब ये महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं आप।
ठीक है हिंसा हुई हम उसका कंडेम करते हैं, मगर आप एक पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। कहां गया प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और कहां गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आरएसएस से बात करना चाहिए, कहां गए वो लोग, किधर कौन सी बिल में छुप गए वो लोग, कहां गए वो लोग जो बोलते थे कि डायलॉग होना चाहिए, बोलो डायलॉग करो अभी। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको नूह को जाकर बर्बादी देखने की जरूरत है। उनको प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए नूह के डेमोलिशन को। प्रधानमंत्री की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिला है, कैसे आप इस देश में कोर्ट नहीं है क्या, कानून नहीं है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर का वायलेशन है ये। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, यानी आप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप पुरानी तारीख में उनको नोटिस देते और एक 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 ही दिन में हजारों लोगों को आपने बेघर कर दिया। आपने जिक्र किया सर प्रधानमंत्री को इन सारी चीजों पर बात करनी चाहिए, क्या आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से इन सारी जो घटनाएं, अगर 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 प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो देश के प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कल लाल किले से ये जो टारगेटेड वायलेंस किया जा रहा है उसको कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री कल खड़े होकर कहेंगे कि जिस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है उसका मैं कंडेम करता हूँ, चाहे वो रेल में वो आतंकवादी का वाकया हो या फिर जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को कंडेम करिए प्रधानमंत्री, वायलेंस को कंडेम करिए ना, चाहे वो नू का वायलेंस हो और फिर उसके बाद जो वीडियोस, उससे पहले जो वीडियोस बनाए गए, कंडेम करिए कि कौन है लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये बुलडोजर कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है, हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे भाई फिर कोर्ट क्यों है, अमित शाह ये तीन कानून क्यों लेके आए, सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट कटाने के लिए आप क्यों ला रहे हो उसमें, आप जब आप खुद ही कानून बन चुके, आप खुद ही कोर्ट बन चुके, फायदा क्या है उसका, वो कानून को नया कानून जो लेके आ रहे हैं आप। हम उम्मीद करते कि प्रधानमंत्री इसका नोट लेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज देंगे प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, क्योंकि चुनाव से पहले उनका ये आखिरी भाषण होगा, देखते हैं कल क्या होगा। वेल इफ यू रिमूव सेडेशन देन द सेडेशन हैज टू गो कंप्लीटली, इट कैन नॉट कम बैक इन अदर नेम। हाउ कैन इफ आई टुमारो प्रोटेस्ट ऑन अ स्ट्रीट, हाउ कैन दैट बी इक्वेटेड विद टेररिज्म? सो देयर आर सो मेनी सेक्शंस, there are numerous sections which needs to be examined, which our party is examining in it, and after some time we'll be giving our opinion in a written representation form to the Honorable Home Minister for him to consider and to bring appropriate changes in that. So you have to give me some time, we are working on it. मैं कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, कांग्रेस का जवाब देंगे, मैं कहाँ दूंगा। पार्टीशन का जिम्मेदार कौन है? पार्टीशन के जिम्मेदार भारत के मुसलमान नहीं है, पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के नेता हैं। आप किताब पढ़िए इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद की, वो कितना भागे कितना दौड़े, सबको जाकर उन्होंने भीख मांगी कि देश का पार्टीशन उन्होंने मत दीजिए। ये गैर जरूरी के मुसलमानों को बदनाम किया था कि हम मुसलमान जिम्मेदार है, हम नहीं है जिम्मेदार पार्टीशन के। उस सुनिए, उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था, नवाबों को था वोट डालने का इख्तियार, जागीरदारों को वोट डालने का इख्तियार था, जो लोग इनकम टैक्स देते उनको वोट डालने का इख्तियार था। क्या हर मुसलमान को यूनिवर्सल सफरेज का था? नहीं था। आपने
कितने कितने लोग उसके पार्टीशन के खिलाफ थे, कितने बड़े बड़े लोग, एक नहीं दो नहीं कई ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के खिलाफ थे उस पार्टीशन के। टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया उन्होंने, जिन्ना की जिंदगी में रिजेक्ट किया। और उस जमाने में उस जमाने की मुस्लिम लीग उस जमाने के मुसलमानों को मारते थे वो लोग जो जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। क्या क्या उनसे बदतमीजी नहीं की गई, सरेआम उनकी पिटाई होती थी उन मुसलमानों की जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। जिम्मेदार है आप एक कम्युनिटी कैसे जिम्मेदार बनाते हैं? अरे भाई बात आप देख लीजिए ना क्या क्या नहीं है उसमें। महात्मा गांधी के कॉन्स्पिरेसी में सावरकर का नाम है ही नहीं है कपूर कमीशन में, अब क्या बोलेंगे उसको आप? आप बताइए सर, आप एनसीआर की अभी बात किए तो केरला के एजुकेशन मिनिस्टर है शिवनकुट्टी, ही सेड दैट देयर आर टेक्स्ट दैट आर रिमूव्ड इकोनॉमिक साइंस एटसेट्रा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, दिस इज द महात्मा गांधी पंडित नेहरू एंड गुजरात फैक्ट्स विल बी इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक्स। सो दैट इज देयर सेड दैट द स्टेट इज डूइंग वेरी गुड, अच्छा कर रहे ना वो लोग, कर ले केरला कर रही सरकार, दूसरी जगह भी करना चाहिए सर। अब उन्हें कर रहे हैं, बिल्कुल सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, हिस्ट्री को टोटली सिखाइए आप। क्या तेलंगाना सरकार से बोलेंगे कि वो केरला के सिलेबस पर स्टडी करें? बिल्कुल 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 उनको गौर करना चाहिए उसको, तेलंगाना को हाँ बिल्कुल गौर करना चाहिए, बिल्कुल उनको उनको कंसिडर करना चाहिए उसको। आप महात्मा गांधी को नहीं सिखाएंगे तो फादर ऑफ नेशन क्यों बोलेंगे उनको आप? आप बताइए मेरे को, 2002 एक जेनोसाइड था, फैक्ट है, उसको नहीं सीख पढ़ाएंगे आप? मौलाना अबुल कलाम आजाद इस देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी लीडरशिप में क्या क्या नए नए प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स बने, आप उनको नहीं पढ़ाएंगे? आप बाद में पढ़ाएंगे उनको, कैसे होगा ये? Yes, it is very similar. If someone says that check the identity of Muslims, if someone says do social boycott of Muslims, and it is being said by all these people who are very close to BJP, and in fact, a Delhi BJP MP had called openly on record that people should not buy products from Muslims. A social boycott call was given by the MP of belonging to BJP. History teaches you that this is what we have read. It happened in 1933 Germany. क्या तेलंगाना के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी MIM कंटेस्ट करेगी सर अपकमिंग असेंबली पोल्स? हां अभी तो टाइम है ना, अभी तो क्या है, अभी टाइम है ना। सर बंगाल में जो है तस्वीर आ रही है ममता बनर्जी पीएम की दावेदार के लिए, हां सर इस पे आप कैसे देखोगे पीएम कैंडिडेट को, देखते हैं पीएम की कैंडिडेट का, हां पीएम के कैंडिडेट से उनके मतलब स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाओ अच्छा है ना, जो आप सब चलाइए आप, तो कौन किसको रोक सकता है, जमहूरियत है। महिला प्रधानमंत्री, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल है, आप कर लीजिए, आप जो करना है करिए, आप सब कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको? अरे मेरा आप मेरे को मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा आपको है, मेरे में क्या खराबी है? नहीं नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, आप चेहरे की बात करें तो मेरे नहीं, मेरे को भी तो ऊपर वाले ने आपके साथ चेहरा ऊपर वाले ने बना, मुझे भी तो ऊपर वाले चेहरा बनाया, बात चेहरे की हो रही है ना या काबिलियत की हो रही है, मुझे नहीं मालूम क्या हो रही है। नहीं नहीं तो मुझमें काबिलियत नहीं है क्या? मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भारत के 540 पार्लियामेंट सीट पर वहां पर मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी से, अगर आप चेहरे लेकर आएंगे तो मोदी को फायदा हो जाएगा, मैं शुरू से कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं ये बात को, आप चेहरे लाएंगे तो उनको फायदा होगा। अच्छा चेहरे की आप बात कर रहे हैं, हमारा सीएम काबिल नहीं है क्या? केसीआर भी काबिल है भाई, जितना आप पर सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम तेलंगाना में है। अब हमारा सीएम को तकलीफ होंगी देख के क्या है भाई? हाईएस्ट डेप्यूटी स्टेट का
हाँ अब पर क्या वो हाईएस्ट डेट तो भारत सरकार का भी है, 2014 से अब तक कितना डेट हुआ, पर कैपिटा बड़ा देश का आपको मालूम, भारत का पर कैपिटा इज लेसर देन बांग्लादेश, द लोवेस्ट पर कैपिटा इन G20। अब उस पर आप लोगों नहीं बोलेंगे आप ये बात, हाँ कहाँ टमाटे मिल रहे आपको, टमाटे कितने मिल रहे, पेट्रोल कितने मिल रहा, डॉलर का रेट क्या है, ऐसा ना, ऐसा मत बोलो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मेरे से मुकाबला नहीं कर सकते आप। सर और एक अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, अच्छा है ना, क्या बात है, अच्छी चीज है, अच्छा है, 15 अगस्त को मना रहे हैं तो क्या है उससे बुरी बात क्या है, भारत की आजादी का दिन है, यौम आजादी है, और उस इस आजादी के लड़ाई में कोई संघ परिवार का रोल नहीं था, एक बार समझिए आप बात, नहीं था उसमें कोई रोल नहीं था, वो लाख बोलने कोई रोल नहीं था उनका, अब आप लोग चलाएंगे नहीं मालूम, और बिल्कुल रोल नहीं था उनका। अंडमान निकोबार में आप देख लीजिए, सबसे पहला जो खरीदी गया हैदराबाद का मौलवी इस्माइल, यहां से मक्का मस्जिद से जुलूस निकाले थे आपके प्रेजेंट वुमेन्स कॉलेज तक, जुम्मे की नमाज के बाद जुलूस निकला, पकड़े गए और पहला खैदी वहां पर गया मौलवी इस्माइल। जम्मू कश्मीर में खासतौर पर वैली में सर तिरंगा यात्रा काफी सक्सेसफुल और काफी, अरे इलेक्शन करा दीजिए ना फिर सक्सेसफुल तिरंगा यात्रा, तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रही थी, जब तिरंगा यात्रा सक्सेसफुल है जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन करवा दीजिए ना, कौन रोक रहा आपका इलेक्शन कराने से, हर चीज सक्सेसफुल हो रही है, इलेक्शन क्यों नहीं होता फिर, इलेक्शन करवाइए जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में इलेक्शन करवाइए, चलिए असेंबली का इलेक्शन करवाइए। हमने हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से 200 साल इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी थी, 200 साल हमारे बुजुर्गों ने उनके खिलाफ लड़ा, अपना सब कुछ कुर्बान किया, जाने दे दी, अपना घर बार लुट गया, औलाद की कुर्बानी दी, और इस ये ख्वाब और इस उम्मीद पर कि जब देश आज़ाद होगा तो यहाँ पर हर समुदाय को उसका जायज़ मुकाम मिलेगा, और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने संविधान को बनाया। मगर क्या हम ये 15 अगस्त हम तमाम को एक मौका देता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, महासेवा करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने उन बुजुर्गों की कितनी कुर्बानियों की लाज रखी, हमने एक जलियांवाला बाग में जान देने वालों की उनकी कुर्बानियों को आज हमने जिंदा रखा या उनको खो दिया उसको, जो जेलों में काला पानी की सजा हमारे बुजुर्ग काटे, क्या हम उसकी सजा को उनकी तकालीफ को याद रखते हैं, अगर याद रखते हैं तो फिर देश आज इस हालत में क्यों है, आखिर देश इस हालत में क्यों है जहां पर बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, जहां पर बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय को फैलता है जिनका नाम मुसलमान है, जहां पर गरीबी बढ़ते जा रही है, फिर हमको हम क्या मोहब्बत कर रहे हैं उन बुजुर्गों से, हम बताइए, हमारा तो पैगाम यही होना चाहिए, क्या हम समझ रहे हैं कि जो तिरंगा हमको मिला ऐसे ही मिल गया हमको, उस तिरंगे में बनाने में, उस तिरंगे को हम लहराने में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, एक नहीं दो नहीं हजारों नहीं लाखों थे उसमें, इस यही हमको समझने की जरूरत है आज। वो 9:30 बजे 9:30-10 के दरमियान, देखिए इन जितनी भी बातचीत हो रही है ना, ये इस बात को जाहिर कर रही है कि
हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इस देश को सच्चाई बयान नहीं की थी जब उन्होंने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। इससे उन्होंने गलत झूठ कहा था, ये बातचीत से साबित हो रहा है। दूसरी ये बातचीत से ये बात साबित हो रही है कि हमने जमीन खोदी है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जमीन खोदी है। और खुद जब प्रधानमंत्री ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में लद्दाख के एक आईपीएस ऑफिसर ने कहा था कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम नहीं जा पा रहे हैं। चौथी बातचीत ये है कि ये बातचीत से क्या 2020 में जो भारत की सेना का उस जमीन पर कब्जा था जो हमारी जमीन है वो बहाल होगा, वो नहीं मालूम। पांचवी बात यह है कि 2017 में यही मोदी सरकार ने डोकलाम में के तालुक से कहा था कि यहाँ से चीन की फौज चले गई, आज भी चीन की फौज वहां पर बैठी हुई है। तो मुझे इस बात का खदशा और डर है कि अगर मोदी सरकार चीन से कोई ऐसा एग्रीमेंट ना कर ले जिस तरह उन्होंने डोकलाम में कहा था कि चीन हट गया, चीन नहीं हटा, चीन बैठा हुआ है वहां पर, अगर एग्रीमेंट ऐसा होता है तो ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत गलत होगा। और सरकार जो है आखिर छुपा क्या रही है, 18 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, आखिर क्या छुपा रहे हैं, बताते क्यों नहीं आखिर वहां पर पोजीशन क्या है। सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं कि हम जमीन खो चुके हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसीलिए इस हुकूमत को मेरा अंदेशा यही है कि कहीं हम ये जो अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो फिर हम जमीन खो देंगे। और फिर बातचीत किस लिए हो रही है, खुद आपका लद्दाख का आईपीएस ऑफिसर वो कह रहा है कि हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो क्या इस बातचीत से ये बात निकलेगी, हम सरकार से मोदी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि 2020 में जो स्टेटस को था वो बहाल होगा नहीं होगा, या फिर आप देश को फिर से डोकलाम जिस तरह आपने गलत कहा था वही साबित होगा क्या? आज भी चीन की फौज बैठी हुई है पोंगसोंग सू में, हॉट स्प्रिंग में, जो भी आप कहिए वहां पर जो इलाके हैं, हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं 65 में से। तीसरा, इस सरकार ने चीन को बफर जोन बनाने की इजाज़त दे दी हमारे ही जगह पर, यही चीज़ें हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे 2013 में ये कहा था कि समस्या बॉर्डर में नहीं दिल्ली में है, तो अब क्या 7 लोक कल्याण मार्ग में समस्या है? उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हम अपनी ज़मीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट किस बात का, तो फिर क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं और बताते क्यों नहीं देश को? हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि बताइए, आप बोलना नहीं चाह रहे, क्या शी जिनपिंग की दोस्ती इतनी ज्यादा है कि कुछ नहीं बोलना चाह रहे प्रधानमंत्री? आप याद रखिए कि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा तो कहीं खुदा ना खास्ता हम सियाचिन को भी ना खो दें। डिसएंगेजमेंट होगा, डी इंडक्शन कब होगा बताइए, कोई बता ही नहीं रहा है सरकार की तरफ से। चीन पर मुंह नहीं खोला जाता, नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी हमने भी उठाया और दीगर सांसदों ने उठाया, मगर सरकार चुप्पी बनी बैठी है, खामोश बैठी हुई है, कोई बोल नहीं रही है। ये जो बातचीत आप कर रहे हैं इससे क्या 2020 का मौकफ बहाल होगा? मुझे अंदेशा इस बात का है कि सरकार को एग्रीमेंट करके बोल देगी एग्रीमेंट हो गया और हम अपनी जमीन को खो देंगे, जिस तरह डोकलाम में कहा था एग्रीमेंट होगा, डोकलाम से चीन बैठा हुआ है आज भी वहां पर, बफर जोन बना हुआ है, डेपसांग डेमचाक में तुम जा ही नहीं पा रहे हैं जो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए। कैसे मुतमईन रहेंगे आप? भारत की जो हिस्ट्री है उसको आप निकाल रहे हैं, आप पढ़ाना नहीं चाह रहे। अब कल आप हिस्ट्री में नहीं पढ़ाएंगे कि ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, आगरा का किला किसने बनाया, गोलकुंडा किला किसने बनाया,
चार मीनार किसने बनाया, क्या सिखाएंगे बच्चों को आप, किसने बनाया, आसमान से रुका के बना के चले गए। आप तो सेलेक्टिवली निकाल रहे हैं, आप तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को बाद में पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी को बाद में पढ़ा रहे हैं, पंडित नेहरू को बाद में पढ़ा रहे हैं आप। जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए क्या क्या नहीं किया उनको जो पहले पढ़ाया जाता आप बाद में पढ़ा रहे हैं उनको, क्यों भाई, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है इन लोगों से। तो हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, फिक्रमंद है हम। ऐसा है देखिए कि एक तरफ नू में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे ही बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान को बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। सर आपको धमकियां भी दी जा रही है? मेरे को एक SMS के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपको आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है, मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि BJP के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूँ, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मर्तबा का सांसद हूँ मैं और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते घर पर, शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मजाहरे किए ट्रेन में, इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट उसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से, मैं तो तैयार हूं। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के MP के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तो 100 दिनों ऐसी क्या चीज रहा अभी। और तरफे तमाशा यह है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई BJP के बड़े नेता के घर पर, तो क्या होता बताइए, क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है और BJP को इसका नोट लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ना चीन पे बोलते ना बुलडोजर पे बोलते। 750 घर नू में मुसलमानों के बर्बाद कर दिए गए, आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं अपने वो लोग। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बातें की जा रही है ना, ये बातें अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 1933 में उस वक्त की जर्मनी की याद दिलाती है, जब यहूदियों को, जूस को कहा गया था कि आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अपने हाथ पर स्टार ऑफ डेविड पहनिए। तो यही जबान इस्तेमाल की जा रही है आज। फर्क इतना है कि वो यहूदी थे, आज यहां पर मुसलमान है। अब सिर्फ इस देश में क्रिस्टल नाक मूवमेंट होना बाकी है और उसके बाद तो फिर जो तारीख में यहूदियों से हुआ था, जूस से, वो भारत के मुसलमानों से होने जाएगा। कैसे एक लोकतंत्र देश में इस तरह की बात की जा रही है, जहां पर BJP की सरकार है, कि इनका आइडेंटिफिकेशन चेक किया जाए,
इनका सोशल बायकॉट हो और दूसरे लोगों को हथियार दिया जाए, एक डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म कर दिया जाए, ये क्या बातें हैं? ये तो एथनिक क्लेंसिंग की बातें हैं, ये तो याद दिलाता है बोस्निया की, ये याद दिलाता है। हम कल 15 अगस्त आज़ादी यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं और आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को, और उन वो नूह के मुसलमानों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया देश की आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी वहां पर जाकर नूह के मुसलमानों से कहा था कि तुम मत जाओ पाकिस्तान को, आप ये महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं आप? ठीक है, हिंसा हुई हम उसका कंडेम करते हैं, मगर आप एक पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। कहां गया प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? और कहां गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आरएसएस से बात करना चाहिए? कहां गए वो लोग? किधर, कौन सी बिल में छुप गए वो लोग? कहां गए वो लोग जो बोलते थे कि डायलॉग होना चाहिए? बोलो डायलॉग करो अभी। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको नूह को जाकर बर्बादी देखने की जरूरत है। उनको प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए नूह के डेमोलिशन को। प्रधानमंत्री की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिला है। कैसे आप इस देश में कोर्ट नहीं है क्या? कानून नहीं है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर का वॉयलेशन है ये। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, यानी आप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप पुरानी तारीख में उनको नोटिस देते और एक 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 ही दिन में हजारों लोगों को आपने बेघर कर दिया। आपने जिक्र किया सर प्रधानमंत्री को इन सारी चीजों पर बात करनी चाहिए, क्या आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से इन सारी जो घटनाएं, अगर 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 प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो देश के प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। वो कल लाल किले से ये जो टारगेटेड वायलेंस किया जा रहा है उसको कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री कल खड़े होकर कहेंगे कि जिस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है उसका मैं कंडेम करता हूँ, चाहे वो रेल में वो आतंकवादी का वाकया हो या फिर जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को कंडेम करिए प्रधानमंत्री, वायलेंस को कंडेम करिए ना, चाहे वो नू का वायलेंस हो और फिर उसके बाद जो वीडियोस, उससे पहले जो वीडियोस बनाए गए, कंडेम करिए कि कौन है लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये बुलडोजर कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है? हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे भाई फिर कोर्ट क्यों है? अमित शाह ये 3 कानून क्यों लेके आए? CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट हटाने के लिए आप क्यों ला रहे हो उसमें, आप जब आप खुद ही कानून बन चुके, आप खुद ही कोर्ट बन चुके, फायदा क्या है उसका, वो कानून को, नया कानून जो लेके आ रहे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसका नोट लेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज देंगे प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, क्योंकि चुनाव से पहले उनका ये आखिरी भाषण होगा। देखते हैं कल क्या होगा। Well, if you remove sedition, then the sedition has to go completely. It cannot come back in other name. How can, if I tomorrow protest on a street, how can that be equated with terrorism? So there are so many sections, there are numerous sections which needs to be examined, which our party is examining it. And after some time, we'll be giving our opinion in a written representation form to the Honorable Home Minister for him to consider and to bring appropriate changes in that. So you have to give me some time. We are working on it. क्या कहूँ? मैं कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, कांग्रेस का जवाब देंगे, मैं कहाँ दूंगा? पार्टीशन का जिम्मेदार कौन है? पार्टीशन के जिम्मेदार भारत के मुसलमान नहीं है।
पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के नेता हैं। आप किताब पढ़िए इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद की, वो कितना भागे कितना दौड़े, सबको जाकर उन्होंने भीख मांगी कि देश का पार्टीशन उन्हें मत दीजिए। ये गैर जरूरी के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि हम मुसलमान जिम्मेदार है, हम नहीं है जिम्मेदार पार्टीशन के। उस सुनिए उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था, नवाबों को था वोट डालने का इख्तियार, जागीरदारों को वोट डालने का इख्तियार था, जो लोग इनकम टैक्स देते उनको वोट डालने का इख्तियार था। क्या हर मुसलमान को यूनिवर्सल सफरेज का था? नहीं था। कितने कितने लोग उसके पार्टीशन के खिलाफ थे, कितने बड़े बड़े लोग, एक नहीं दो नहीं कई ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के खिलाफ थे उस पार्टीशन के। टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया उन्होंने, जिना की जिंदगी में रिजेक्ट किया। और उस जमाने में उस जमाने की मुस्लिम लीग उस जमाने के मुसलमानों को मारते थे वो लोग जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। क्या क्या उनसे बदतमीजी नहीं की गई, सरेआम उनकी पिटाई होती थी उन मुसलमानों की जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। जितने भी जो थे उस जमाने के वो जिम्मेदार है। आप एक कम्युनिटी कैसे जिम्मेदार बनाते? अरे भाई बात आप देख लीजिए ना क्या क्या नहीं है उसमें। महात्मा गांधी के कॉन्स्पिरेसी में सावरकर का नाम है ही नहीं है कपूर कमीशन में, अब क्या बोलेंगे उसको? आप बताइए। सर आप एनसीईआरटी पे अभी बात किए तो केरला के एजुकेशन मिनिस्टर है शिवनकुट्टी, ही सेड दैट देयर आर टेक्स्ट दैट आर रिमूव्ड इकोनॉमिक साइंस एटसेट्रा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, दिस इज फॉर महात्मा गांधी पंडित नेहरू एंड गुजरात फैक्ट्स विल बी इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक्स। सो दैट इज देयर सेड दैट द स्टेट इज डूइंग वेरी गुड। अच्छा कर रहे ना वो लोग, केरला कर रही सरकार, अब वो कर रहे हैं, बिल्कुल सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, हिस्ट्री को टोटली सिखाइए। आप क्या तेलंगाना सरकार से बोलेंगे कि वो केरला के सिलेबस को स्टडी करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको गौर करना चाहिए उसको, तेलंगाना को हाँ बिल्कुल गौर करना चाहिए, बिल्कुल उनको उनको कंसिडर करना चाहिए उसको। आप महात्मा गांधी को नहीं सिखाएंगे तो फादर ऑफ नेशन क्यों बोलेंगे उनको? आप बताइए मेरे को, 2002 एक जेनोसाइड था, फैक्ट है, उसको नहीं सीख पढ़ाएंगे आप? मौलाना अबुल कलाम आजाद इस देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी लीडरशिप में क्या क्या नए नए प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स बने, आप उनको नहीं पढ़ाएंगे? आप बाद में पढ़ाएंगे उनको, कैसे होगा ये? Yes, it is very similar. If someone says that check the identity of Muslims, if someone says do social boycott of Muslims, and it is being said by all these people who are very close to BJP, and in fact a Delhi BJP MP had called openly on record that people should not buy products from Muslims. A social boycott call was given by the MP of belonging to BJP. History teaches you that this is what we have read. It happened in 1933 Germany. क्या तेलंगाना के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी MIM कंटेस्ट करेगी सर अपकमिंग असेंबली को? हां अभी तो टाइम है ना, अभी तो टाइम है ना। सर बंगाल में जो है तस्वीर आ रही है ममता बनर्जी पीएम की दावेदार के लिए, हां सर इस पे आप कैसा देखोगे? पीएम कैंडिडेट से देखते हैं, पीएम की कैंडिडेट का, हां पीएम की कैंडिडेट से, उनके मतलब स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाओ अच्छा है ना, जो आप सब चलाइए आप, तो कौन किस रोक सकता है, जमहूरियत है। महिला प्रधानमंत्री, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल है, आप कर लीजिए, आपको जो करना है करिए, आप सब कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको? अरे मेरा आप मेरे को मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा आपको, है मेरे में क्या खराबी है? नहीं नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, आप चेहरे की बात करें तो मेरे नहीं, मेरे को भी तो ऊपर वाले ने आपके साथ चेहरा ऊपर वाले ने बना, मुझे भी तो ऊपर वाले चेहरा बनाया। बात चेहरे की हो रही है ना या काबिलियत की हो रही है, मुझे नहीं मालूम क्या हो रही है। नहीं नहीं तो मुझमें काबिलियत नहीं है क्या?
मैं शुरू से कह रहा हूं कि भारत के 540 पार्लियामेंट सीट पर वहां पर मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी से। अगर आप चेहरे लेकर आएंगे तो मोदी को फायदा हो जाएगा। मैं शुरू से कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं ये बात को, आप चेहरे लाएंगे तो उनको फायदा होगा। अच्छा, चेहरे की आप बात कर रहे हैं, हमारा सीएम काबिल नहीं है क्या? केसीआर, केसीआर भी काबिल है भाई। जितना आप पर सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम तेलंगाना में है। अब हम हमारे सीएम को तकलीफ होंगी देख के क्या क्या, क्या है भाई। हाँ, अब पर क्या वो हाईएस्ट डेट तो भारत सरकार का भी है। 2014 से अब तक कितना डेट हुआ? पर कैपिटा बड़ा देश का आपको मालूम, भारत का पर कैपिटा इज लेसर देन बांग्लादेश, द लोएस्ट पर कैपिटा इन G20। अब उस पर आप लोगों नहीं बोलेंगे आप ये बात। हाँ, कहाँ टमाटे मिल रहे आपको? टमाटे कितने मिल रहे? पेट्रोल कितने मिल रहा? डॉलर का रेट क्या है? ऐसा ना, ऐसा मत बोलो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मेरे से मुकाबला नहीं कर सकते आप। सर, और एक अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा है ना, क्या बात है, अच्छी चीज है, अच्छा है। 15 अगस्त को मना रहे हैं तो क्या है, उससे बुरी बात क्या है? भारत की आजादी का दिन है, यौम आजादी है, और उस इस आजादी की लड़ाई में कोई संघ परिवार का रोल नहीं था। एक बार समझिए आप बात, नहीं था उसमें कोई रोल नहीं था। वो लाख बोलने कोई रोल नहीं था उनका। अब आप लोग चलाएंगे नहीं मालूम, पर बिल्कुल रोल नहीं था उनका। अंडमान निकोबार में आप देख लीजिए, सबसे पहला जो खैदी गया हैदराबाद का मौलवी इस्माइल, यहां से मक्का मस्जिद से जुलूस निकाले थे आपके प्रेजेंट वुमेन्स कॉलेज तक, जुम्मे की नमाज के बाद जुलूस निकला, पकड़े गए और पहला खैदी वहां पर गया मौलवी इस्माइल। अरे इलेक्शन करा दीजिए ना फिर सक्सेसफुल। तिरंगा यात्रा तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रही थी? जब तिरंगा यात्रा सक्सेसफुल है जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन करवा दीजिए ना, कौन रोक रहा आपका इलेक्शन कराने से? हर चीज सक्सेसफुल हो रही है, इलेक्शन क्यों नहीं होता फिर? इलेक्शन करवाइए जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में इलेक्शन करवाइए, चलिए असेंबली का इलेक्शन करवाइए। हमने हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से 200 साल इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी थी, 200 साल हमारे बुजुर्गों ने उनके खिलाफ लड़ा, अपना सब कुछ कुर्बान किया, जाने दे दी, अपना घर बार लुट गया, औलाद की कुर्बानी दी, और इस एक ख्वाब और इस उम्मीद पर कि जब देश आज़ाद होगा तो यहाँ पर हर समुदाय को उसका जायज़ मुकाम मिलेगा, और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने संविधान को बनाया। मगर क्या हम ये 15 अगस्त हम तमाम को एक मौका देता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, महासेवा करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने उन बुजुर्गों की कितनी कुर्बानियों की लाज रखी, हमने एक जलियांवाला बाग में जान देने वालों की उनकी कुर्बानियों को आज हमने जिंदा रखा या उनको खो दिया उसको, जो जेलों में काला पानी की सजा हमारे बुजुर्ग काटे, क्या हम उसकी सजा को उनकी तकालीफ को याद रखते हैं? अगर याद रखते हैं तो फिर देश इस हालत में क्यों है? आखिर देश इस हालत में क्यों है जहां पर बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, जहां पर बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय को फैलता है जिनका नाम मुसलमान है, जहां पर गरीबी बढ़ते जा रही है, फिर हमको हम क्या मोहब्बत कर रहे हैं उन बुजुर्गों से? हम बताइए, हमारा तो पैगाम यही होना चाहिए। क्या हम समझ रहे हैं कि जो तिरंगा हमको मिला ऐसे ही मिल गया हमको? उस तिरंगे में बनाने में, उस तिरंगे को हम लहराने में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी? एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों थे उसमें। यही हमको समझने की जरूरत है आज। Thank you.
वो 9:30 बजे 9-10 के दरमियान। देखिए इन जितनी भी बातचीत हो रही है ना, ये इस बात को जाहिर कर रही है कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इस देश को सच्चाई बयान नहीं की थी जब उन्होंने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। इससे उन्होंने गलत झूठ कहा था, ये बातचीत से साबित हो रहा है। दूसरी ये बातचीत से ये बात साबित हो रही है कि हमने जमीन खोदी है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जमीन खोदी है। और खुद जब प्रधानमंत्री ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में लद्दाख के एक आईपीएस ऑफिसर ने कहा था कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम नहीं जा पा रहे हैं। चौथी बातचीत ये है कि ये बातचीत से क्या 2020 में जो भारत की सेना का उस जमीन पर कब्जा था जो हमारी जमीन है वो बहाल होगा, वो नहीं मालूम। पांचवी बात यह है कि 2017 में यही मोदी सरकार ने डोकलाम में के तालुक से कहा था कि यहाँ से चीन की फौज चले गई, आज भी चीन की फौज वहां पर बैठी हुई है। तो मुझे इस बात का खदशा और डर है कि अगर मोदी सरकार चीन से कोई ऐसा एग्रीमेंट ना कर ले जिस तरह उन्होंने डोकलाम में कहा था कि चीन हट गया, चीन नहीं हटा, चीन बैठा हुआ है वहां पर, अगर एग्रीमेंट ऐसा होता है तो ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत गलत होगा। और सरकार जो है आखिर छुपा क्या रही है, 18 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, आखिर क्या छुपा रहे हैं, बताते क्यों नहीं आखिर वहां पर पोजीशन क्या है। सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं कि हम जमीन खो चुके हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसीलिए इस हुकूमत को मेरा अंदेशा यही है कि कहीं हम ये जो अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो फिर हम जमीन खो देंगे। और फिर बातचीत किस लिए हो रही है, खुद आपका लद्दाख का आईपीएस ऑफिसर वो कह रहा है कि हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो क्या इस बातचीत से ये बात निकलेगी, हम सरकार से मोदी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि 2020 में जो स्टेटस को था वो बहाल होगा नहीं होगा, या फिर आप देश को फिर से डोकलाम जिस तरह आपने गलत कहा था वही साबित होगा क्या। आज भी चीन की फौज बैठी हुई है पोंगसोंग सू में, हॉट स्प्रिंग में, जो भी आप कहिए वहां पर जो इलाके हैं, हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं 65 में से। तीसरा, इस सरकार ने चीन को बफर जोन बनाने की इजाज़त दे दी हमारे ही जगह पर, यही चीज़ें हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे 2013 में ये कहा था कि समस्या बॉर्डर में नहीं दिल्ली में है, तो अब क्या 7 लोक कल्याण मार्ग में समस्या है। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट किस बात का, तो फिर क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं और बताते क्यों नहीं देश को। हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि बताइए, आप बोलना नहीं चाह रहे, क्या शी जिनपिंग की दोस्ती इतनी ज्यादा है कि कुछ नहीं बोलना चाह रहे प्रधानमंत्री। आप याद रखिए कि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा तो कहीं खुदा ना खास्ता हम सियाचिन को भी ना खो दें। डिसएंगेजमेंट होगा, डी इंडक्शन कब होगा बताइए, कोई बता ही नहीं रहा है सरकार की तरफ से। चीन पर मुंह नहीं खोला जाता, नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी हमने भी उठाया और दीगर सांसदों ने उठाया, मगर सरकार चुप्पी बनी बैठी है, खामोश बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है। ये जो बातचीत आप कर रहे हैं इससे क्या 2020 का मौकफ बहाल होगा, मुझे अंदेशा इस बात का है कि सरकार को एग्रीमेंट करके बोल देगी एग्रीमेंट हो गया और हम अपनी जमीन को खो देंगे, जिस तरह डोकलाम में कहा था एग्रीमेंट होगा। डोकलाम से चीन बैठा हुआ है आज भी वहां पर, बफर जोन बना हुआ है, डेपसांग डेमचाक में तुम जा ही नहीं पा रहे, जो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए।
कैसे मुतमईन रहेंगे? आप भारत की जो हिस्ट्री है उसको आप निकाल रहे हैं, आप पढ़ाना नहीं चाह रहे। अब कल आप हिस्ट्री में नहीं पढ़ाएंगे कि ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, आगरा का किला किसने बनाया, गोलकुंडा किला किसने बनाया, चार मीनार किसने बनाया? क्या सिखाएंगे बच्चों को आप? किसने बनाया? आसमान से रुका के बना के चले गए। आप तो सेलेक्टिवली निकाल रहे हैं। आप तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को बाद में पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी को बाद में पढ़ा रहे हैं, पंडित नेहरू को बाद में पढ़ा रहे हैं। आप जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए क्या क्या नहीं किया उनको जो पहले पढ़ाया जाता आप बाद में पढ़ा रहे हैं उनको, क्यों भाई? आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है इन लोगों से? तो हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, फिक्रमंद है हम। ऐसा है, देखिए कि एक तरफ नू में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियां भी थे। तो अब शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर पे बुलडोजर आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्पीच होती तो फौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान को बुलडोजर चल रहा है और एक सांसद के घर पे पत्थर गिर रहे हैं। मेरे को एक SMS के जरिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिखकर दीजिए कि आपको आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे? मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, देखिए उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि BJP के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फिरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूँ, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मर्तबा का सांसद हूँ मैं और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते घर पर, शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट इसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीजों से, मैं तो तैयार हूं। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर उसको सोचने की जरूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के MP के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोजर चला दिए, जिस तरह आपने आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तो 100 दिनों ऐसी क्या चीज रहा अभी? और तरफे तमाशा यह है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई BJP के बड़े नेता के घर पर, तो क्या होता बताइए? क्या होता बताइए? कितना बड़ा रिएक्शन होता? ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये इसका नतीजा खराब निकलने वाला है और BJP को इसका नोट लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ना चीन पे बोलते ना बुलडोजर पे बोलते। 750 घर नू में मुसलमानों के बर्बाद कर दिए गए, आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं अपने वो लोग। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बातें की जा रही है ना, ये बातें अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 1933 में उस वक्त की जर्मनी की याद दिलाती है, जब यहूदियों को, जूस को कहा गया था कि आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अपने हाथ पर स्टार ऑफ डेविड पहनिए। तो यही जबान इस्तेमाल की जा रही है आज। फर्क इतना है कि वो यहूदी थे, आज यहां पर मुसलमान है।
अब सिर्फ इस देश में क्रिस्टलनाक मूवमेंट होना बाकी है, और उसके बाद तो फिर जो तारीख में यहूदियों से हुआ था, जूस से, वो भारत के मुसलमानों से होने जाएगा। कैसे देखिए, कैसे एक लोकतंत्र देश में इस तरह की बात की जा रही है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, कि इनका आइडेंटिफिकेशन चेक किया जाए, इनका सोशल बायकॉट हो और दूसरे लोगों को हथियार दिया जाए, एक डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म कर दिया जाए। ये क्या बातें हैं? ये तो एथनिक क्लेंसिंग की बातें हैं। ये तो याद दिलाता है बोस्निया की, ये याद दिलाता है। हम कल 15 अगस्त आज़ादी, यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, और आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को, और उन वो नूह के मुसलमानों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया देश की आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी वहां पर जाकर नूह के मुसलमानों से कहा था कि तुम मत जाओ पाकिस्तान को। आप ये महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं आप? ठीक है, हिंसा हुई, हम उसका कंडेम करते हैं, मगर आप एक पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। कहां गया प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? और कहां गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आरएसएस से बात करना चाहिए? कहां गए वो लोग? किधर, कौन सी बिल में छुप गए वो लोग? कहां गए वो लोग जो बोलते थे कि डायलॉग होना चाहिए? बोलो, डायलॉग करो अभी। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनको नूह को जाकर बर्बादी देखने की जरूरत है। उनको प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए, नूह के डेमोलिशन को। प्रधानमंत्री की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिला है। कैसे आप इस देश में कोर्ट नहीं है क्या? कानून नहीं है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर का वॉयलेशन है ये। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, यानी आप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप पुरानी तारीख में उनको नोटिस देते और एक 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 ही दिन में हजारों लोगों को आपने बेघर कर दिया। आपने जिक्र किया सर प्रधानमंत्री को इन सारे चीजों पर बात करनी चाहिए, क्या आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से इन सारी जो घटना, अगर 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 प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो देश के प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। वो कल लाल किले से ये जो टारगेटेड वायलेंस किया जा रहा है उसको कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री कल खड़े होकर कहेंगे कि जिस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है उसका मैं कंडेम करता हूँ, चाहे वो रेल में वो आतंकवादी का वाकया हो या फिर जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को कंडेम करिए आप प्रधानमंत्री, वायलेंस को कंडेम करिए ना, चाहे वो नू का वायलेंस हो और फिर उसके बाद जो वीडियोस, उससे पहले जो वीडियोस बनाए गए, कंडेम करिए कि कौन है लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये बुलडोजर कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है? हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे भाई, फिर कोर्ट क्यों है? अमित शाह ये तीन कानून क्यों लेके आए, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट हटाने के लिए? आप क्यों ला रहे हो उसमें, आप जब आप खुद ही कानून बन चुके, आप खुद ही कोर्ट बन चुके, फायदा क्या है उसका, वो कानून को, नया कानून जो लेके आ रहे हैं आप? हम उम्मीद करते कि प्रधानमंत्री इसका नोट लेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज देंगे प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, क्योंकि चुनाव से पहले उनका ये आखिरी भाषण होगा। देखते हैं कल क्या होगा। Well, if you remove sedition, then the sedition has to go completely. It cannot come back in other name. How can, if I tomorrow protest on a street, how can that be equated with terrorism? So there are so many sections. There are numerous sections which needs to be examined, which our party is examining it. And after some time, we'll be giving our opinion in a written representation form to the Honorable Home Minister for him to consider and to bring appropriate changes in that. So you have to give me some time. We are working on it. क्या क्या कहूँ?
मैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कांग्रेस का जवाब देंगे, मैं कहाँ दूंगा। हाँ, पार्टीशन का जिम्मेदार कौन है? पार्टीशन के जिम्मेदार भारत के मुसलमान नहीं है, पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के नेता हैं। आप किताब पढ़िए इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद की, वो कितना भागे कितना दौड़े, सबको जाकर उन्होंने भीख मांगी कि देश का पार्टीशन उन्हें मत दीजिए। ये गैर जरूरी के मुसलमानों को बदनाम किया था कि हम मुसलमान जिम्मेदार है, हम नहीं है जिम्मेदार पार्टीशन के। उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? नवाबों को था वोट डालने का इख्तियार, जागीरदारों को वोट डालने का इख्तियार था, जो लोग इनकम टैक्स देते उनको वोट डालने का इख्तियार था। क्या हर मुसलमान को यूनिवर्सल सफरेज का था? नहीं था। कितने लोग उसके पार्टीशन के खिलाफ थे? कितने बड़े बड़े लोग? एक नहीं, दो नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के खिलाफ थे उस पार्टीशन के। टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया उन्होंने, जिन्ना की जिंदगी में रिजेक्ट किया। और उस जमाने की मुस्लिम लीग, उस जमाने के मुसलमानों को मारते थे वो लोग जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। क्या क्या उनसे बदतमीजी नहीं की गई, सरेआम उनकी पिटाई होती थी उन मुसलमानों की जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। जितने भी जो थे उस जमाने के वो जिम्मेदार हैं। आप एक कम्युनिटी कैसे जिम्मेदार बनाते? अरे भाई, आप देख लीजिए ना क्या क्या नहीं है उसमें। महात्मा गांधी के कॉन्स्पिरेसी में सावरकर का नाम है ही नहीं है कपूर कमीशन में। अब क्या बोलेंगे उसको? आप बताइए। सर, आप एनसीआर की अभी बात किए तो केरला के एजुकेशन मिनिस्टर है शिवन कुट्टी, ही सेड दैट देयर आर टेक्स्ट दैट आर रिमूव्ड इकोनॉमिक साइंस एटसेट्रा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, दिस इज द महात्मा गांधी, पंडित नेहरू एंड गुजरात फैक्ट्स विल बी इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक्स। और दैट इज देयर सेड दैट द स्टेट इज डूइंग वेरी गुड। अच्छा कर रहे ना वो लोग, केरला कर रही सरकार। अब उन्हें कर रहे हैं, बिल्कुल सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, हिस्ट्री को टोटली सिखाइए आप। क्या तेलंगाना सरकार से बोलेंगे कि वो केरला के सिलेबस को स्टडी करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको गौर करना चाहिए उसको, तेलंगाना को। हाँ बिल्कुल, गौर करना चाहिए, बिल्कुल उनको उनको कंसिडर करना चाहिए उसको। आप महात्मा गांधी को नहीं सिखाएंगे तो फादर ऑफ नेशन क्यों बोलेंगे उनको? आप बताइए मेरे को, 2002 एक जेनोसाइड था, फैक्ट है, उसको नहीं सीख पढ़ाएंगे आप? मौलाना अबुल कलाम आजाद इस देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी लीडरशिप में क्या क्या नए नए प्रीमियर इंस्टीट्यूट बने, आप उनको नहीं पढ़ाएंगे? आप बाद में पढ़ाएंगे उनको, कैसे होगा ये? Yes, it is very similar. If someone says that check the identity of Muslims, if someone says do social boycott of Muslims, and it is being said by all these people who are very close to BJP, and in fact a Delhi BJP MP had called openly on record that people should not buy products from Muslims. A social boycott call was given by the MP of belonging to BJP. History teaches you that this is what we have read. It happened in 1933 Germany. क्या तेलंगाना के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी MIM कंटेस्ट करेगी सर अपकमिंग असेंबली को? हां, अभी तो टाइम है ना, अभी तो क्या है, अभी तो टाइम है ना। सर, बंगाल में जो है तस्वीर आ रही है ममता बनर्जी पीएम की दावेदार के। हां सर, इस पे आप कैसा देखोगे? पीएम कैंडिडेट से देखते हैं, पीएम की कैंडिडेट का, पीएम की कैंडिडेट से उनके मतलब स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाओ अच्छा है ना, जो आप सब चलाइए, आप कौन किसको रोक सकता है, जमहूरियत है। महिला प्रधानमंत्री? हाँ नहीं, बिल्कुल है, आप कर लीजिए, आप जो करना है करिए, आप सब कर सकते हैं।
आप सब कर सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको? अरे आप मेरे को मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा आपको है, मेरे में क्या खराबी है? नहीं नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, आप चेहरे की बात करें तो मेरे मेरे को भी तो ऊपर वाले ने आपके साथ चेहरा ऊपर वाले ने बना, मुझे भी तो ऊपर वाले चेहरा बनाया। बात चेहरे की हो रही है ना या काबिलियत की हो रही है, मुझे नहीं मालूम क्या हो रही है। नहीं नहीं तो मुझमें काबिलियत नहीं है क्या? मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भारत के 540 पार्लियामेंट सीट पर वहां पर मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी से। अगर आप चेहरे लेकर आएंगे तो मोदी को फायदा हो जाएगा, मैं शुरू से कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं ये बात को। आप चेहरे लाएंगे तो उनको फायदा होगा। अच्छा अब चेहरे की आप बात कर रहे हैं, हमारा सीएम काबिल नहीं है क्या? केसीआर, केसीआर भी काबिल है भाई, जितना आप पर सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम तेलंगाना में है। अब हम हमारा सीएम को तकलीफ होंगी देख के क्या क्या, क्या है भाई? हाँ अब पर क्या वो हाईएस्ट डेट तो भारत सरकार का भी है, 2014 से अब तक कितना डेट हुआ? पर कैपिटा बड़ा देश का आपको मालूम, भारत का पर कैपिटा इज लेसर देन बांग्लादेश, द लोवेस्ट पर कैपिटा इन G20। अब उस पर आप लोगों नहीं बोलेंगे आप ये बात? हाँ कहाँ टमाटे मिल रहे आपको? टमाटे कितने मिल रहे? पेट्रोल कितने मिल रहा? डॉलर का रेट क्या है? ऐसा ना ऐसा मत बोलो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मेरे से मुकाबला नहीं कर सकते आप। सर अरे अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। हाँ अच्छा है ना, क्या बात है, अच्छी चीज है, अच्छा है। 15 अगस्त को मना रहे हैं तो क्या है उसे बुरी बात क्या है? भारत की आजादी का दिन है, यौम आजादी है, और उस इस आजादी की लड़ाई में कोई संघ परिवार का रोल नहीं था, एक बार समझिए आप बात, नहीं था उसमें कोई रोल नहीं था, वो लाख बोल ले कोई रोल नहीं था उनका। अब आप लोग चलाएंगे नहीं मालूम, पर बिल्कुल रोल नहीं था उनका। अंडमान निकोबार में आप देख लीजिए, सबसे पहला जो कैदी गया हैदराबाद का मौलवी इस्माइल, यहां से मक्का मस्जिद से जुलूस निकाले थे आपके प्रेजेंट वुमेन्स कॉलेज तक, जुम्मे की नमाज के बाद जुलूस निकला, पकड़े गए और पहला कैदी वहां पर गया मौलवी इस्माइल। अरे इलेक्शन करा दीजिए ना फिर सक्सेसफुल, तिरंगा यात्रा तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रही थी? जब तिरंगा यात्रा सक्सेसफुल है जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन करवा दीजिए ना, कौन रोक रहा आपका इलेक्शन कराने से? हर चीज सक्सेसफुल हो रही है, इलेक्शन क्यों नहीं होता फिर? इलेक्शन करवाइए जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में इलेक्शन करवाइए, चलिए असेंबली का इलेक्शन करवाइए। हमने हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से 200 साल इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी थी, 200 साल हमारे बुजुर्गों ने उनके खिलाफ लड़ा, अपना सब कुछ कुर्बान किया, जाने दे दी, अपना घर बार लुट गया, औलाद की कुर्बानी दी, और इस एक ख्वाब और इस उम्मीद पर कि जब देश आज़ाद होगा तो यहाँ पर हर समुदाय को उसका जायज़ मुकाम मिलेगा, और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने संविधान को बनाया। मगर क्या हम ये 15 अगस्त हम तमाम को एक मौका देता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, महासेवा करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने उन बुजुर्गों की कितनी कुर्बानियों की लाज रखी, हमने एक जलियांवाला बाग में जान देने वालों की उनकी कुर्बानियों को आज हमने जिंदा रखा या उनको खो दिया उसको, जो जेलों में काला पानी की सजा हमारे बुजुर्ग काटे, क्या हम उसकी सजा को उनकी तकालीफ को याद रखते हैं? अगर याद रखते हैं तो फिर देश इस हालत में क्यों है? आखिर देश इस हालत में क्यों है जहां पर बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, जहां पर बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय को फैलता है जिनका नाम मुसलमान है, जहां पर गरीबी बढ़ते जा रही है, फिर हम क्या मोहब्बत कर रहे हैं उन बुजुर्गों से? हम बताइए, हमारा तो पैगाम यही होना चाहिए। क्या हम समझ रहे हैं कि जो तिरंगा हमको मिला ऐसे ही मिल गया हमको? उस तिरंगे में बनाने में, उस तिरंगे को हम लहराने में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी? एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों थे उसमें,
यही हमको समझने की जरूरत है आज।